हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डूइंग चैप्टर 15 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, एंड यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इट्स यूजेस एंड स्ट्रक्चर। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो डिस्कस्ड वार्म अप एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर विद द रेस्ट एक्सरसाइजेस। सो टेक आउट एक्सरसाइज ए। Fill in the blanks with the past continuous tense form of the verbs given in the brackets. Students, here you have been given some fill in the blanks, and in the brackets you have been given some verbs. So what will you do in this exercise? You will change these verbs into past continuous tense form, and after that you have to fill these verbs in the blanks. Okay students, first blank is he dash have dinner when he got the news। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब यहाँ पर देखो, ही मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? वॉज। हैव वर्ब दिया है, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैविंग, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई एन जी फॉर्म यूज़ करते हैं। ही वॉज हैविंग डिनर वैन ही गॉट द न्यूज़। सेकेंड ब्लैंक, वॉट डैश बी यू डैश वेयर एट द पार्टी। स्टूडेंट्स, बी का मीन्स है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करनी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? यू। तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? वर। वॉट वर यू वेयरिंग एट द पार्टी, वेयर का क्या हो जाएगा? वेयरिंग। थर्ड, द गार्ड्स डैश चेज द थीफ। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट क्या है? गार्ड्स मीन्स प्लूरल है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वर। द गार्ड्स वर चेजिंग द थीफ, कि गार्ड्स जो है चोर का पीछा कर रहे थे। फोर्थ, आई डैश ट्राई टू फिक्स माई कंप्यूटर। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वॉज। आई वॉज ट्राइंग to fix my computer। Fifth, my friend and I dash play basketball। My friend and I, यहाँ पर अब two person है, means plural subject, तो हम कौन सी helping verb use करेंगे? Were। Play का क्या हो जाएगा? Playing। My friend and I were playing basketball। Sixth, she dash sleep when the thieves enter the house। she के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? was। she was sleeping when the thieves entered the house। अगेन देखो यहाँ पर, I dash listen to some music, तो I के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? was। listen का क्या हो जाएगा? listening। I was listening to some music। Eight, he dash snore through the night। स्नोर का मतलब होता है कि सोते समय जो हम आवाज़ करते हैं, जो खराटे मारते हैं, उसको कहते हैं स्नोर करना। तो स्नोर का क्या हो जाएगा? स्नोरिंग। और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? वॉज। ही वॉज स्नोरिंग थ्रू द नाइट। नाइन, डैश बी द प्राइम मिनिस्टर डैश वेव टू द क्राउड। अब बी है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो सब्जेक्ट हमें देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? वॉज। वॉज द प्राइम मिनिस्टर वेविंग, वेव का क्या हो जाएगा? वेविंग टू द क्राउड। टेन, डैश बी यू डैश ट्राई टू गेट एडमिशन इनटू वन ऑफ दीज कॉलेजेस। बी का मतलब अलग, फिर से हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है? यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वर। Were you trying, try का क्या हो जाएगा? trying, to get admission into one of these colleges? Okay students, now see exercise B। Use the words to write questions in the past continuous, then try to answer the questions। Students, हमें यहाँ पर words given हैं, इन words को use करके हमें question लिखना है past continuous tense में, और उसके बाद उन questions के हमें answer भी देने हैं। अब यहाँ पर वर्ड्स देखो कौन से गिवन है। वॉट यू डू एट लंच टाइम यस्टरडे। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, वॉट
फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वर। व्हाट वर यू, डू वर्ब है तो डू का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग एट लंच टाइम यस्टरडे, कि कल तुम लंच टाइम पर क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने आंसर लिखा है आई वॉज ईटिंग माई लंच, कि मैं अपना खाना खा रहा था, लंच खा रहा था। तो हमें इन क्वेश्चंस के साथ में आंसर भी देने हैं। नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, वर्ड्स कौन से गिवन है हमें यहाँ पर। योर फैमिली हैव डिनर एट ओ क्लॉक लास्ट नाइट। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड गिवन नहीं है, हमें हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से क्वेश्चन बनाना है, मतलब कि इंटरोगेटिव बनाना है। योर फैमिली है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, वॉज। वॉज योर फैमिली हैविंग डिनर एट ओ क्लॉक लास्ट नाइट, हम आंसर लिखेंगे येस माई फैमिली वॉज हैविंग डिनर, कि मेरी फैमिली जो है डिनर कर रही थी। क्वेश्चन के बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस, यू डू योर होमवर्क एट 6:30 ऑन संडे। अब हमें इसमें यू सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, वर। वर यू डूइंग, डू का क्या हो जाएगा, डूइंग योर होमवर्क एट 6:30 ऑन संडे। आंसर हम लिखेंगे नो आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप सब में यस का ही आंसर दो, आप कहीं पर नो भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या लिखा है, नहीं मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। फोर्थ, वॉट यू वॉच ऑन टी वी लास्ट नाइट, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, वॉट क्वेश्चन वर्ड, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर। वॉट वर यू वॉचिंग ऑन टी वी लास्ट नाइट, हम लिखेंगे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। हमने क्या आंसर दिया है, क्वेश्चन हमारा क्या था कि तुम लास्ट नाइट टीवी पर क्या देख रहे थे, हमने आंसर दिया है आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा था। फिफ्थ, इट रेन एट 9:00 दिस मॉर्निंग, अब हम इसको कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वॉज। वॉज इट रेनिंग एट 9:00 दिस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क, कि 9:00 पर बारिश हो रही थी सुबह में, तो हमने आंसर क्या दिया है, येस इट वॉज रेनिंग एट 9:00, कि 9:00 पर बारिश हो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ यू हैव टू रिवाइज बोथ द एक्सरसाइजेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।